वाकई में कमाल है आप सब लोग। आप सब लोग मिलकर मुझे ये बता रहे हैं कि मैंने बाहर वालों को घर के मामलों में इन्वॉल्व करके गलती कर दी। लेकिन आप सभी लोग होली वाले दिन हो रहे तमाशे पे चुपचाप खड़े खड़े सब कुछ देख रहे थे। जब मेरा पति किसी बाहर वाली औरत को बार बार अपनी बीवी बता रहा था, तब कहां गई थी आप लोगों के घर की इज्जत, आपका ज्ञान? हाँ बाबा, आप नशे की हालत में सारा तमाशा देखते रहे कि आपका बेटा, मेरा पति, अपनी एक्स वाइफ को, जिसे इसे हाथ तक नहीं लगाना चाहिए, उसके हाथ में हथकड़ी डालकर घूमता फिर रहा था, सबके सामने नाचता फिर रहा था, तब किसी ने कुछ नहीं कहा? ओमी काका, सुनाली काकू, तब आपको किसी के लक्षण नजर क्यों नहीं आए? जब सबके सामने मेरे इज्जत की धज्जियां उड़ रही थी, तब तो आप लोगों ने किसी ने कुछ भी नहीं कहा, तब आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और अब यहां खड़े होकर आप सब लोग मुझे प्रवचन दे रहे हैं। और फिर हट, तुमने तो खुद मुझे ये आइडिया दिया था। आइडिया? हाँ, मैंने ठंडाई के नशे में तुम सही को क्या कह रहे थे? क्या कहा था? कि खड़े खड़े क्या देख रही हो, लड़ो ना उस औरत से, इस औरत से। साफ साफ कह दो इसे कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा पति हूं। याद आया? अरे कोई भी औरत अंदर घुसकर तुम्हारे पति को अपना पति बोलेगी तो तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चुप रहोगी? अरे गो फाइट। अरे देखो सर, मैं पीछे खड़ा हूँ तुम्हारे, तुम बोलो उसको कि मेरा पति सिर्फ मेरा, बोलो उसको, आई एम स्टैंडिंग हियर। आज मैं आप सब लोगों को एक बात साफ साफ बता देना चाहती हूँ, और खास तौर पर तुम्हें, कि मेरा पति सिर्फ मेरा है, और ये घर ये भी मेरा है। और मेरे होते हुए मेरे पति की एक्स वाइफ जो आज भी मेरी सौतन है, वो इस घर में नहीं रहेगी। तुम्हारी जब मर्जी होती तुम मेरे पास आते हो, जब मर्जी होती तुम चले जाते हो। अगर तुम चाहते हो कि ये चीज दोबारा ना हो और इस घर की इज्जत बनी रहे, तो तुम सई को इस घर से निकालने के लिए कोई ठोस कदम उठाओ, और इस कदम के लिए तुम्हारे पास मेरे फैक्ट्री से लौटने तक का वक्त है।